अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 84। और आज के इस लेसन में हम 3D हेलिक्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि 3D हेलिक्स कमांड क्या होती है, यूजेस ऑफ हेलिक्स कमांड, मेक 3D स्प्रिंग यूजिंग हेलिक्स कमांड एंड हाउ टू चेंज टर्न हाइट एंड ट्विस्ट यूजिंग हेलिक्स कमांड। तो आज के इस लेसन में हम हेलिक्स कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि हाइट किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ट्विस्ट किस तरह, और हेलिक्स कमांड में आप और क्या क्या काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया और अब मैं यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू में जाता हूँ। हेलिक्स कमांड के लिए आई थिंक एच ई एल आई थिंक हेलिक्स कमांड के लिए, या एच ई एल आई एक्स आप पूरा लिख दें। तो हेलिक्स कमांड यहाँ से भी अप्ला सकते हैं और इसके अलावा आपने यहाँ पे आप जॉब बार में जाके तो आपको यहाँ पे भी हेलिक्स कमांड नज़र आ रही होगी। तो हेलिक्स कमांड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जॉब में जाके हेलिक्स कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी पॉइंट पे, कह रहा है यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट ये वाला मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हेलिक्स डायमीटर पूछ रहा है, कह रहा है कि डायमीटर कितना देना चाह रहे हैं, तो रेडियस और डायमीटर, तो डायमीटर के लिए डी एंटर करेंगे, अगर रेडियस देना है तो रेडियस के लिए आर आपने एंटर करना है। तो मैं इसको रेडियस फॉर एग्जांपल देना चाह रहा हूँ 10। टेन रेडियस मैंने दे दिया। अब हम यहाँ पे मैं कह रहा है टॉप रेडियस कितना होना चाहिए, तो टॉप रेडियस पे आप दें, टॉप रेडियस में मैं 10 देना चाह रहा हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल। ओके, टॉप रेडियस पे आ गया है। अब हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक्सेस में हमारे पास एंड पॉइंट कौन सा होना चाहिए, टर्न कितने होने चाहिए, टर्न हाइट कितनी होनी चाहिए, और उसके अलावा ट्विस्ट कितने होने चाहिए। तो आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। तो टर्न के लिए टी एंटर करता हूँ, टर्न कितने होने चाहिए, अब कह रहे हैं यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न में से देता हूँ 8। 8 देखें, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 8 हो गए, देख सकते हैं। और टर्न की हाइट देना चाह रहे हैं तो टर्न हाइट के लिए एच एंटर करेंगे। और अब यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन टर्न, टर्न के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.3 होना चाहिए, देख सकते हैं इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हमारे पास हेलिक्स कमांड भी अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। ओके, तो अच्छा, तो एक तरीका ये था हमारे पास, और दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ से दोबारा हेलिक्स कमांड अप्लाई करता हूँ, ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, हेलिक्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे डायमीटर आप यहाँ पे नीचे देखें, आपको हर चीज़ बता रहा है यहाँ पे स्पेसिफाई बेस रेडियस, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो रेडियस को मैं देता हूँ 5, डायमीटर देते हैं तो उसके लिए डी एंटर करेंगे, और यहाँ पे आप देखें स्पेसिफाई टॉप रेडियस यहाँ पे बता रहा है, टॉप रेडियस आप देते हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल टॉप रेडियस पीस को देता हूँ 5। ओके, और अब मैं इसको यहाँ से एंटर कर देता हूँ। अब मैंने इसके ट्विस्ट वगैरह, और इसके मैं अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ, टर्न बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा मैं, तो मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी हाइट बता रहा है कितनी हाइट है, 7 है, हाइट में इसकी 10 करता हूँ, 10 हो गया, आप देख सकते हैं। टर्न क्या रहा है, टर्न कितने हैं, टर्न 3 है, टर्न में इसके बढ़ाना चाह रहा हूँ, 10 करना चाह रहा हूँ या 8 करना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न 8 हो गए, देख सकते हैं। टॉप रेडियस यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं, टॉप रेडियस बढ़ा सकते हैं, ट्विस्ट इसके चेंज करना चाह रहे हैं, सी डब्ल्यू करना चाह रहे हैं, सी डब्ल्यू आ जाएगा, और देखें इन दोनों में फ़र्क आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। ट्विस्ट में मत ये है कि हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपको अगर देखें, आप अगर गौर करें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब इसी में सी सी डब्ल्यू, और मैं अगर सी डब्ल्यू करता हूँ देखें, या फिर दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है, दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है एलेक्स, तो इसका होता है ट्विस्ट। कलर चेंज करना है कर सकते हैं, लेयर टर्न्स यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्न जो है, टर्न हाइट है, हाइट है नॉर्मल, आप देखें चेंज करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। ओके, अब इसमें हेलिक्स कमांड पे मैं और भी काम कर सकता हूँ, क्या क्या काम कर सकता हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ और सिलेंडर को मैं डायमीटर या मैं इसको रेडियस देता हूँ 5 का फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं टॉप पे लेके जाता हूँ और हाइट इसको मैं देता हूँ 10 फॉर एग्जाम्पल। ओके,
अब इस पर कुछ काम करता हूँ या मैं इसकी हाई 20 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इस पर भी आप डबल क्लिक करें करके इस पर भी आप काम कर सकते हैं। 5 है हाइट इसकी, 10 है तो आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी हाइट करता हूँ 20, ओके। और अब मैं इस पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब इस पर मैं इसे यहाँ से जो है तो इसका 2D वायर फ्रेम की जगह मैं यहाँ पे इसको शेड को देता हूँ, तो इसको मैं शेड देता हूँ यहाँ पे, रियलास्टिक शेड देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं, लेकिन शेड में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी स्टाइल कैसा हो गया, मैं शेड को ख़त्म कर दूँ ताकि मैं आसानी से काम कर सकूँ। तो 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ और यहाँ से मैं दोबारा से मैं हेलिक्स कमांड को अप्लाई करता हूँ, ड्रॉ में गया हेलिक्स कमांड पे काम करता हूँ। यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है और इसको डायमीटर में देता हूँ 5 डायमीटर देता हूँ, टॉप भी 5 देता हूँ और इसको हाइट में देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5, या इसको मैं हाइट देता हूँ 4 या 5, आपकी मर्जी जितनी, 5 हाइट दे देता हूँ, ओके। डबल क्लिक करता हूँ इसमें ट्विस्ट और टर्न्स को बढ़ाने के लिए, डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हाइट 5 है तो इसकी हाइट को मैं 8 करता हूँ या 10 करता हूँ। रेडियस भी है, टॉप रेडियस भी हमारे पास नज़र आ रहा है आपको, और नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पे, हाइट टर्न्स इसे मैं बढ़ा देता हूँ 20, बल्कि टर्न इसके कम करता हूँ 12, ओके। अब देखते हैं इस पर हमने काम क्या करना है। अब यहाँ से आप जाके ज़रा यहाँ से आप 2D वायर फ्रेम की जगह रियलास्टिक पे क्लिक करके देखें, और बस देखें यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, साइज को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, ये इतना साइज मैंने दे दिया। और अब मैं यहाँ पे इसको स्वीप के ऑप्शन पे काम करता हूँ, स्वीप पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने पाथ को सिलेक्ट करता हूँ, स्वीप पाथ जो है, तो उसके लिए मैं ये वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, बस इसको मूव करता हूँ ताकि मैं क्लियर इसमें आसानी से काम कर सकूँ। साइज थोड़ा सा कम करता हूँ इसका, ओके। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ स्वीप पे दोबारा काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और यहाँ से पाथ सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए मैं यहाँ से मैं रियलास्टिक की जगह मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में जाके इसको ताकि इजीली मैं इस पर काम कर सकूँ। तो अब मैं इस पर काम करता हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ छोटा सा एंड स्वीप पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, स्पेस, अब आई थिंक काम करेगा। कंट्रोल जेड, अगर स्वीप काम नहीं कर रहा तो मैं यहां से इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसको या रोटेट करता हूँ, स्वीप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, क्यों नहीं काम कर रहा मैं ये चेक करके आपको बताता हूँ।
ओके, तो यहाँ पे आप देखें, जब मैं इस पे स्वीप पे काम करता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से स्वीप के लिए, और यहाँ से मैं स्पेस प्रेस करूँगा और मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, या फिर आप यहाँ से अलाइनमेंट के लिए ए प्रेस करें, स्पेस प्रेस करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, अब ए प्रेस करें, और यहाँ पे आपको कह रहा है, यहाँ पे देखें, अलाइन स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द पाथ बिफोर स्वीप, यस, अपने एरिया को सिलेक्ट करें, तो आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास स्वीप काम कर लेगा। ओके, देखें यहाँ पे हमारे पास स्वीप हो गया, अपने ऑब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास स्वीप का फंक्शन है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके अंदर जिस तरह आपने देखा होगा जो स्क्रू होता है, तो उसके अंदर इसी तरह झरियाँ सी बनी हुई होती हैं, तो वो लाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सॉलिड यूनियन है, सॉलिड सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ उसमें से, इसको सिलेक्ट करके अब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे इसके अंदर क्या बन गई, चरिया बन गया, आप देख सकते हैं, देखें जरा, तो ये यहाँ पे हम जो हेलिक्स कमांड के थ्रू हम काफ़ी सारे काम ये वाले कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आपने स्केयर टाइप की झरियाँ बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक स्केयर शेप ड्रॉ करें, स्केयर शेप ड्रॉ करने के बाद उस पर भी आप काम कर सकते हैं, तो मैं एक फॉर एग्जांपल स्केयर शेप ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ एक छोटा सा, ओके, और अब मैं यहाँ पे स्वीप कमांड पे क्लिक करता हूँ, रेक्टेंगल को, स्केयर शेप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट के लिए ए एंटर करता हूँ, और यस के लिए वाई एंटर करता हूँ, या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिएगा हमारे पास एक स्क्वायर शेप से हमारे पास ये एरिया बन जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे अब स्वीप कमांड जो यूज़ हुई है वो एक स्क्वायर शेप में हमारे पास काम करिए। अब यहाँ से इसको भी ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करनी है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, अपने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, तो ये इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट हो गया, आप देख सकते हैं, तो ये आप इन कमांड के थ्रू आप काफ़ी सारे काम भी कर सकते हैं, कोई स्क्रू ड्राइवर बनाने या मैकेनिकल के इक्विपमेंट बनाने, तो आप मैकेनिकल के इक्विपमेंट यहाँ से आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और इन लेसन पे आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इस पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।